नमस्कार। अब बात केंद्रीय मंत्री सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता माधवीराजे सिंधिया के निधन के बाद विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। इसके साथ ही यहां किए जा रहे निर्माण कार्यों को भी देखा। सिंधिया पूरे समय बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की शरण में सिंधिया परिवार हमेशा ही रहा है। बाबा महाकाल के चरण में तो सदैव सिंधिया परिवार रहा है। इस मंदिर की स्थापना, इसकी जीर्णोद्धार सिंधिया परिवार के द्वारा रानूजी महाराज ने स्वयं स्थापित की थी। जब मुगलों ने इस मंदिर का पूर्ण तरीके से इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, इल्तुतमिश ने 1125 में, रानूजी महाराज ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूं तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता, और हर बार जब आता हूं तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ यहां से मैं रवाना होता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस उज्जैन की, ग्वालियर स्टेट की पूर्व की राजधानी में महाकाल के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने जीर्णोद्धार का भी देखा है, विकास कार्यों का भी जायजा लिया है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, सांसद जी से भी मैं बात करूँगा कि इसकी भव्य रूप जो प्राचीन जमाने में होती थी, वही भव्य रूप ये संपूर्ण मंदिर प्रांगण धारण करे। आधुनिकरण जरूरी है, पर आधुनिकरण विरासत के आधार पे ही होनी चाहिए, और बहुत महाकाल लोक इतना सुंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ स्थापित हुआ है। अगला चरण भी पूर्ण जोर से आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ये तो देश के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे व्याख्यात ज्योतिर्लिंग है, और आने वाले दिनों में पूरे विश्व की एक धार्मिक स्थल के रूप में हमारा महाकाल मंदिर स्थापित हो, यही हम सब की कामना है। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।